नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, जहां दिल्ली में होने जा रहे G20 समिट से पहले स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज कोविड पॉजिटिव आए हैं। जी हां, उन्होंने खुद ही इस बात का खुलासा किया है। इसी के साथ ही सांचेज पहले G20 समिट में शामिल होने के लिए भारत आने वाले थे, लेकिन अब उनकी जगह पर स्पेन के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री आएंगे। आगरा पहुंचे यूपी के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा, विद्युत सर्विस स्टेशन पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इसके साथ ही 765 केवी विद्युत सर्विस स्टेशन पर बैठक की। अधिकारियों के साथ ऊर्जा मंत्री की समीक्षा बैठक शुरू हुई। उसके बाद विद्युत अधिकारियों ने ऊर्जा मंत्री का स्वागत किया। वही दक्षिणांचल के MD अमित किशोर समेत तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद थे। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा बताएंगे लोगों को कि क्या कुछ चल रहा है वहां पर। इसके साथ ही आगरा की फतेह बाद 765 केवी विद्युत सर्विस स्टेशन पर मंत्री का भव्य स्वागत भी किया गया। जिले में बेलगाम हुए अपराधी घर के सामने जन्माष्टमी देख रही मासूम बच्ची को कार सवार अज्ञात युवकों ने अगवा कर वहां से उठा ले गए। इसी के साथ ही ग्रामीण का पीछा करने पर कार चलती रही और चलती कार से बच्ची को फेंक दिया गया। उसके साथ ही आपको बता दें कि कार से फेंकने पर बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। वही घायल मासूम बच्ची को गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला ऊंचाहार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वही पुलिस को इस बात की सूचना दे दी गई है और पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा सुनील कुमार। कहाँ रहते हो? खरवा रसूलपुर। थाना कौन सा है? सलवन। क्या हुआ है सर? ये हम लोग वहाँ पे प्रोग्राम था, हम लोग वहाँ अपन नाच कूद रहे थे, फिर उसके बाद एक भगवान जाने कितने टाइम आया कितने टाइम नहीं, क्या दुश्मनी थी क्या नहीं थी मुझे मालूम नहीं। बच्चा को घींचते हुए ले गया, फिर उसके बाद जब वहाँ हल्ला मचा तो छोड़ दिए। डॉक्टर अनुराग शुक्ला, यूमो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब, एक बच्ची है, 8 साल की, क्या है मामला? ये हमारे पास रिया नाम की बच्ची 8 साल की है, जो ऊंचाहार CSC से रिफर होके आई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी से उसको कुछ लोगों ने घायल कर दिया, जिसके दौरान वो घायल हो गई थी। हमारे पास गंभीर अवस्था में भर्ती है। एक्सीडेंट हुआ था या कोई और? परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने उसको घायल किया है, जिसमें वो बच्ची को काफ़ी गंभीर चोट आई है। रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, बैंक में चोरी का प्रयास करने वाले दो शातिर चोर अवैध शस्त्र और कारतूस के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। नसीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे में स्थित यूके बैंक में छज्जा काटकर बैंक अंदर घुसकर चोरी करने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद बैंक अधिकारियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी थी। सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस ने मनोज कुमार, सरोज के बेटे विनोद कुमार और सरोज निवासी विकापुर के उनको गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही आगे की कार्रवाई में भी जुट चुकी है। अपने जनपद के अंतर्गत नसीराबाद थाना क्षेत्र में 3/4 सितंबर की रात को, जब हमारी थाने की फर्स्ट मोबाइल और सेकंड मोबाइल गश्त पे थी, तो छतो क्षेत्र में यूको बैंक पड़ता है, रात के समय वहाँ नकबजनी हो रही थी और नकबजनी के दौरान जो अभियुक्त थे वो अंदर आए। जैसे सायरन बजा, हमारी वहाँ सेकंड मोबाइल गश्त पे थी, तत्काल मौके पर पहुँची। नाले में उतराती हुई अज्ञात युवक की शव मिली है। जी हां, शव के मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट चुकी है। ये पूरा मामला महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। रायबरेली जिला प्रशासन इस बार जन्माष्टमी के पर्व पर गौ वंशों की पूजा से लेकर गौशालाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के साथ ही उन्हें सजाने के निर्देश भी दिए थे। इसकी जिम्मेदारी सदर के उप जिलाधिकारी को भी सौंपी गई है। वो कल सुबह से ही मातहतों के साथ 74 गौशालाओं में जाकर वहां मौजूद 17,000 गौवंशों को गुड़ और केले खिलाने के साथ ही गौशालाओं में प्रयास पेयजल और साफ सफाई की व्यवस्था को भी देखे। इसी के साथ ही कर्मियों को दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया गया, लेकिन जिला प्रशासन अगर इस पर लगातार ध्यान देता तो इन गौशालाओं में भूख और प्यास और बीमारी से होने वाली गौवंशों की हालत कभी भी इतनी खराब नहीं होती। मिथिलेश कुमार त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी सदर में हूँ। आज जन्माष्टमी के अवसर पर हम लोग गौशालाओं में जा कर के गायों की पूजा और उनको जो है गुड़ और फल वगैरह खिला रहे हैं।
इसके अतिरिक्त यहाँ की व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं, जहाँ व्यवस्थाएँ थोड़ी ख़राब हैं या कोई दिक्कत है तो उसको हम लोग उस पर अमल करके और फिर से उस पर कार्रवाई करेंगे। और व्यवस्था गौशालाओं की व्यवस्था, गो आश्रय स्थलों की व्यवस्था को अच्छा बनाना है ताकि निराश्रित जो पशु हैं वो अपना गौशाला में रह सकें, वो आश्रय स्थल में रह सकें। सपा जिला अध्यक्ष नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और नेताओं ने 2024 चुनाव को लेकर अहम बैठक की। इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सपा ने बूथ स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। सपा नेता अभिषेक मिश्रा ने संगठन के बूथ और सेक्टर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। वही जन जन तक पहुंचकर रूट लेवल तक कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करेंगे ऐसा मानना है। वही निवर्तमान राष्ट्रीय लोहिया वाहिनी सचिव अभिषेक मिश्रा उर्फ मुन्ना भैया ने बीजेपी पर तंज भी कसा। इस दौरान मोदी बोला गया कि मोदी जी नहीं बीजेपी की नीतियां और रीतियां सपा का टारगेट है। वही 2024 में आमूल चूल परिवर्तन होगा और बीजेपी के बांटने की नीतियों से लोग जागरूक हो चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट निर्देश है कि ये लड़ाई हमको रूट लेवल पर लड़नी है, जन जन के बीच में जाकर लड़नी है। उसी क्रम में हम लोगों ने आज सेक्टर और बूथ स्तरीय कमेटी का एक अपना कार्यक्रम किया हुआ है, यहाँ पे मीटिंग बुला रखी है जिसमें हमारे बूथ स्तरीय कार्यकर्ता और सेक्टर स्तरीय कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें हमें जन समस्याओं को लेके इनको जागरूक करना है। साथ ही साथ जो एक सरकार हम लोगों के खिलाफ रूट लेवल पे एक प्लानिंग करती है कि हमारे वोट कट जाए, हमारे जो डिवोटी हमारे समर्थक हैं उनको रोका जाए, उन सब विषयों को लेके हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। बस्ती जनपद में पुलिस का अजब गजब मामला देखने को मिला, जहां पुलिस जिस शव को लड़की समझ कर वहां से लेकर जा रही थी वो दरअसल लड़का का शव निकला। शव मिलने के बाद पहचान के लिए पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखा था। जब शव की पहचान नहीं हो सकी तो उसका पोस्टमार्टम कराया गया। शव को जब डॉक्टरों ने खोला तो उनके होश उड़ गए। जी हाँ, जिस शव को पुलिस लड़की बता रही थी उस शव को दरअसल वो लड़की थी ही नहीं, वो एक लड़का का शव था। पुलिस ने लंबे बाल देखकर पंचनामा में लड़की लिखा था, जिसके बाद डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम करने के लिए हाथ खड़े कर दिए। शव को दोबारा मोर्चरी में रखा गया। जब पुलिस ने दोबारा पंचनामा भर दिया तब दूसरे दिन डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया। दरअसल बीते 3 सितंबर को दुबौलिया थाना के गोकुलपुर गांव की नहर में बोरे में एक शव मिला पड़ा था, जहां पर पुलिस ने जब शव को निकाला तो उसके बड़े बाल दिखे और उन्होंने गलती से उसे लड़की समझ लिया, लेकिन वो एक लड़का का शव था। फिर क्या था, पुलिस ने लिखा पढ़ी की अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एक नहर में अज्ञात महिला का शव तैर रहा है, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटनास्थल का मेरे और अन्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है। शव की पहचान का प्रयास किया जा रहा है, अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। ये विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से ये बात प्रकाश में आई है, और इसमें चूँकि बॉडी काफ़ी जीर्ण शीर्ण थी, पुरानी थी, और इसमें जिस भी स्तर से लापरवाही की गई है उसकी जाँच कराई जाएगी, और जिसमें जो दोषी होगा मैनपुरी में यादव महासभा की ओर से जन्माष्टमी के पर्व को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर वहां से रवाना किया। आपको बताते चले कि कल जन्माष्टमी के पर्व को लेकर यादव महासभा की ओर से कार्यक्रम संयोजक निट्टू यादव और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने वहां पर पहुंचे। इसके बाद शोभा यात्रा के संयोजक निट्टू यादव की ओर से शिवपाल सिंह यादव का जोरदार स्वागत और सम्मान किया गया। नीटू यादव जन्माष्टमी शोभा समिति कार्यक्रम का संयोजक, आज जन्माष्टमी के अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, इस तरीके शोभा यात्रा निकली और किसने शुभारंभ किया था? शोभा यात्रा भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में निकाली गई थी। माननीय पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव जी ने शोभा यात्रा का शुभारम्भ किया और इस शोभा यात्रा में कम से कम 10,000 की भीड़ रही। हरदोई के हरपालपुर में डॉक्टर की पत्नी को गोली मारने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इन दोनों लोगों ने महिलाओं से मोबाइल और अन्य जगह से लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने उनके पास से महिला का लूटा हुआ मोबाइल और 2 तमंचे और पर्स भी बरामद किया है। इस खुलासे के लिए एसपी ने टीम को 10,000 का इनाम भी दिया है। इसके साथ ही मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश सिंह ने बताया कि 6 सितंबर की रात
हरपालपुर थाने में सुरेश सिंह कनौजिया द्वारा तहरीर दी गई थी कि उनकी पत्नी निशा देवी को दो अज्ञात बदमाशों ने जान से मारने की नियत से गोली मार दी और वहां से फरार हो गए। वही घटना में उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले का मुकदमा पंजीकृत कर लिया था और एसपी राजेश द्विवेदी ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया था और सनसनीखेज घटना के खुलासे के लिए दो टीमों को लगाते हुए स्वैट एसओजी और सर्विलांस को भी उनकी सहायता हेतु लगाया था। ये विगत 5/9/2023 की रात्रि में कस्बा बालपुर से ग्राम तकरा में एक महिला की गोली मार के दो अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मार के फरार हुए थे, जिसके संबंध में घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा दो टीमों का और साथ में स्वाट सर्विलांस टीम को भी लगाया गया था। युवकों को तालिबानी सजा देने वाले आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। जो है वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बाइक सवार तीन युवकों के बीच सड़क पर चप्पलों से जमकर मारपीट की थी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो जालौन के बताया जा रहा है कि पूरा मामला जालौन के नंदी गांव थाना क्षेत्र के महेशपुरा का है, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। सर, जो महेशपुरा में जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें मारपीट की जा रही, क्या है पूरा मामला सर? जी, ये तीन लड़के कैलिया क्षेत्र के रहने वाले थे। ये कल महेशपुरा गांव की तरफ से निकल रहे थे। महेशपुरा से जब निकल रहे थे तो इनका विवाद, चूँकि पूर्व में भी इनका कुछ विवाद था, तो महेशपुरा के रहने वाले तीन लड़कों ने इनको रोक लिया और इनके साथ मारपीट कार्य की गई है। इसमें तीनों लड़कों को जिन लोगों ने मारपीट करी है उनको पकड़ लिया गया है। आगे की जो भी विधिक कार्रवाई है हम उसमें कर रहे हैं। जिलाधिकारी की अगुवाई में कलेक्ट्रेट सभागार में अमृत महोत्सव के तहत मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के दूसरे फेज की शुरुआत जिले जिम्मेदार अधिकारियों सहित भाजपा के जिलाधिकारी और पूर्व मंत्री सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह के साथ बैठक के साथ की गई। दरअसल अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम मेरा माटी मेरा देश के आगामी 11 सितम्बर से 30 अक्टूबर तक चलाना है, जिसमें जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत गांव-गांव जाकर मिट्टी इकट्ठा करने के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गांव ब्लॉक से जिले में सभी सहभागिता होंगे, वहीं जन सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा। मेरा माटी मेरा देश का द्वितीय चरण की शुरुआत हो रही है। आज इस मुद्दे को लेकर बैठक हुई है, जिसमें कि पहले चरण में हुआ था कि वृक्षारोपण और शिलापट की गई थी, इस बार द्वितीय चरण में किन किन मुद्दों को लेकर बैठक हुई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के सेकेंड फेज के तहत मेरी माटी मेरा देश थीम से सेकेंड फेज में आयोजन जो है जनपद में स्टार्ट किए जा रहे हैं। उससे संबंधित हम लोगों ने कलेक्ट्रेट सभागार में आज बैठक करी थी। हमारे सभी माननीय विधायक जी, हमारे MLC सर, भाजपा के जिला अध्यक्ष जी, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट इस प्रोग्राम में किया है। बूथ सेक्टर कार्यकर्ता बैठक में सपा के निवर्तमान राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी अभिषेक मिश्रा का बड़ा बयान आया है। महागठबंधन और इंडिया भारत के विवाद को लेकर BJP पर हमलावर हुए हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि मोदी से ही नहीं बल्कि नीति और कुरीति से सपा की लड़ाई है और अभिषेक मिश्रा सपा नेता आमंत्रित पत्र में भारत लिखना संविधान की भावनाओं के खिलाफ है, ऐसा अभिषेक मिश्रा सपा नेता का कहना है। वहीं BJP का शाइनिंग इंडिया रहा प्रोजेक्ट और महागठबंधन से BJP को तकलीफ है, ऐसा अभिषेक मिश्रा ने अपने बयानों में BJP पर तंज कसते हुए कहा। ऐसा है कि ये टोटल त्रुटिपूर्ण है। कल रात को ही एक जज जो रिटायर्ड है उन्होंने साफ कहा कि ये संविधान की भावनाओं के खिलाफ है। लिखा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत कभी नहीं आज तक यूज हुआ। संविधान की जो मंशा है उसके अनुरूप देखते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शब्द था, भारत का राष्ट्रपति है। अगर यही कार्ड इन्होंने शुद्ध हिंदी में देवानगिरी लिपि में क्यों नहीं छपवाया? किसको इन्फ्लुएंस करना चाहते थे? देशभक्ति की परिभाषा तो ये थी है कि वो निमंत्रण पत्र शुद्ध हिंदी में छापते। जनपद झांसी के समथर थाना क्षेत्र में कमजोर पुलिसिंग के कारण लगातार क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही है और पुलिस मामले के खुलासे करने में नाकाम हो रही है, जिसके कारण बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। एक के बाद एक वारदात से क्षेत्रवासियों में दहशत का व्याप्त हो गया है। इसके साथ ही पूर्व में हुई चोरी की घटनाएं और पिछले महीने
8 अगस्त को खेत से लौटते समय बख्त सिंह की हत्या कर शव को पानी में फेंक देने की घटना का खुलासा समथर पुलिस के लिए चुनौती बन गया है और समथर पुलिस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। इसी के साथ ही 8 अगस्त की रात समथर थाना के लोहागढ़ गांव के पास बख्त सिंह हमला कर उनके ऊपर उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें परिजनों की तहरीर पर 3 नामजद एक अज्ञात के विरुद्ध धारा 302 में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, लेकिन 1 महीने होने के बाद भी हत्या का खुलासा ना कर पाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसी के साथ ही 8 अगस्त को हुई हत्या की पुलिस के द्वारा अभी तक केवल जांच ही की जा रही है, लेकिन पुलिस को अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। इससे लोगों का पुलिस से विश्वास उठता हुआ नजर आ रहा है। बस 1 महीने के बाद भी 302 में नामजद बदमाशों के द्वारा पीड़ित के ऊपर राजीनामा का दबाव बनाने का भी काम किया जा रहा। समथर पुलिस के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार ना करके खुलेआम संरक्षण प्राप्त कर परियोजनाओं का आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि परिजनों ने ये गंभीर मामले में आरोप लगाया है पुलिस के ऊपर कि वो आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, उनको संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वही अगली खबर झांसी से बताया जा रहा है, जहां दबंगों ने बड़े ही होशियारी के साथ किसान के प्लॉट से थ्रेसर मूंगफली वाला चोरी करके एक भाजपा नेता यहां से पहुंच गया था। बताया जा रहा है कि थोड़ी थाना क्षेत्र के दुगारा में रात्रि के समय कुछ बदमाशों के द्वारा प्लांट पर रखे थ्रेसर को चोरी करके ले गए, जिसकी शिकायत पीड़ित ने थोड़ी फतेहपुर थाने पहुंचकर एक शिकायत पर प्रार्थना पत्र लिखा, जिसमें बताया गया कि कुछ लोगों के द्वारा प्लांट पर रखे थ्रेसर की चोरी करके ले गए, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया, जिसमें पाया गया कि पीड़ित ने आरोपियों को पहचानते हुए बताया कि प्रभारी पत्र लिख के दिया गया। उसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनके ऊपर कानूनी विधिक कार्रवाई भी करनी चाहिए, साथ ही चोरी करने वाले लोगों को बड़े दबंग के रूप में भी पीड़ित ने दिखाया है और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। हम ये कहना चाहते हैं कि जब थ्रेसर मेरा चोरी हुआ तो गांव से हमें जानकारी हुई, एक लड़की ने कहा कि 10:20 रात्रि में 2 तारीख में महिंद्रा ट्रैक्टर वाला थ्रेसर बिदा रहा है जी। बिदाने के बाद मेन रोड पे मऊगुर साए वाले पे वो 10 मिनट ट्रैक्टर को खड़ा किए रहा है, इसके बाद वहाँ से गंतव्य होके चला गया है। झांसी के मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में विद्युत शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी की वजह से एक मकान में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से घर में रखा सामान आग की चपेट में आ गया। वहीं मौके पर मौजूद परिजनों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग ने आधा सामान जलाकर खाक कर दिया था। बताया गया कि मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भंडारा में जुम्न पुत्र सफी अहमद के घर में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से मकान में आग लग गई, जिसकी वजह से काफी सामान आग की चपेट में आकर राख हो गई, खाक हो गई। वहीं परिजनों की सूझबूझ की मदद से समय पर रहते आग को काबू पाया गया, नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।